ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी फैमिली और ज्यादा बड़ी होती जाएगी और मैं आपके लिए और ज्यादा एक्साइटेड वीडियोस लाती जाऊंगी। तो जैसे कि अब आपको पता है कि फेस्टिवल सीजन आ रहा है और गर्मी भी इतनी ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा समर के इस, मैं आज आपके लिए कुछ ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ कि हमें समर के सीजन में अपना फेस्टिवल लुक कैसे क्रिएट करें। तो मैंने कुछ सारी बहुत सारी शॉपिंग भी करी है और कुछ मेरे पास एक दो ड्रेसेस पुरानी भी हैं, तो आज आपके साथ मैं वही शेयर करने वाली हूँ। ऑलमोस्ट सब कॉटन की है क्योंकि आप देख रहे हैं गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है, बारिश हो रही है, बहुत ज्यादा वेदर बहुत ज्यादा अजीब सा हो रहा है, तो उसको लेकर ऑलमोस्ट जो ड्रेसेस है वो कॉटन की है। तो चलिए फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आई होप कि मेरी वीडियो से आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा कि आपको इस फेस्टिवल सीजन कैसे रेडी होना है। तो जो मेरी फर्स्ट ड्रेस है ये प्योर कॉटन की ड्रेस है और ये एक शरारा ड्रेस है। इसका स्टफ जो है वो बहुत ही सॉफ्ट है, लेकिन अगर आप इसकी ड्रेस देखें तो वो देखने में हैवी तो लगती है बट पहनने में वो बहुत लाइट है। ये देखिए इसकी कुर्ती है और इसकी ये जो कुर्ती पर है ये सारा गोटा पट्टी का वर्क हो रहा है और यहाँ पर इसके एक ड्रॉप लगा हुआ है। ये बिल्कुल कॉटन में ड्रेस और पैंट में गाइस बहुत कंफर्टेबल रहती है। इसके नीचे ये शरारा है। एक्चुअली मेरे को ना, मुझे ऐसा लगा कि मैं हील कैरी करूंगी इसके साथ, मुझे थोड़ा छोटा लग रहा था तो मैंने इसको थोड़ा यहाँ से बड़ा बना लिया, बट अब मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया तो मैं इसको दोबारा से खुलवा के अपने टेलर से इसको ठीक कराऊंगी। देखिए इसका शरारा है, ये इसकी कुर्ती है और ये रहा इसका दुपट्टा। दुपट्टे पे भी गोटा पत्ती का वर्क है और पहन के बहुत प्यारी लगती है। देखने में हैवी लगती है बट जब आप इसको पहनेंगे तो ये बहुत लाइट वेट और कंफर्टेबल ड्रेस है। और नॉर्मली ऐसी ड्रेसेस मार्केट में बहुत मिल रही है, लाइट में, हेवी में, बहुत हैवी वाली ड्रेस बहुत कॉमन है, लेकिन मैंने आपके साथ इसलिए शेयर करी कि ये पहन के थोड़ी कंफर्टेबल भी है और आपका फेस्टिव लुक भी इससे इजीली क्रिएट हो सकता है। चलिए मैं सेकंड ड्रेस जो है वो मैंने स्टफ लेके ना दोनों का कुर्ती और चुन्नी अलग अलग से लेके बनवाई है। बहुत सोबर है लेकिन ये भी कलर तो इसका बहुत वाइब्रेंट है बट पहनने में ये भी बहुत कंफर्टेबल है। ये भी मैंने अपने बुटीक से ही बनवाई है। देखिए इस पे यहाँ पे कुंदन वर्क के बटन लगे हैं और एक सिंपल सी कुर्ती है। ये भी कुर्ती है, मेरे पास ब्लैक कलर का प्लाजो है तो ये मैं उसके साथ कैरी करूंगी। और ये इसका गोल्डन और वो दुपट्टा देख सकते हैं, ये इसका दुपट्टा है। अभी तक ये मैंने पहना नहीं है बट ये जब भी मैं पहनूंगी तो आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। देखिए ये इसका दुपट्टा है और ये मेरी कुर्ती। चलिए अब मैं थर्ड ड्रेस आपको दिखाती हूँ कि मेरी थर्ड ड्रेस क्या है। एक्चुअली प्लाजो ड्रेस है। वैसे आपने ये वाला पैटर्न कॉटन की ड्रेसेस में बहुत देखा होगा बट ये मैंने शिफॉन में बनवाया और ये भी बहुत बहुत कंफर्टेबल है। जैसे आप गर्मियों में देखते हैं तो दो ही कपड़े ज्यादा हमें कंफर्टेबल रहते हैं, या तो कोई पतला शिफॉन हो या फिर कॉटन हो। तो ये वाली ड्रेस भी मेरी बहुत प्यारी है और मैंने अभी तक कैरी नहीं करी, इसको पहना नहीं है, तो जब भी मैं पहनूंगी तो दिखाऊंगी। और ये जो इसकी स्लीव है मैंने इसके साथ ये बेल स्लीव बनवाई है और गाइस पहन के बहुत प्यारी लगेगी। जब बनकर आई थी तो मैं एक बार ऑलरेडी ट्राई कर चुकी हूँ बट ये मैं कहीं पहनकर नहीं गई। ये जो इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी है ये थ्रेड वर्क की एम्ब्रॉयडरी है और ये कलर भी इतना अच्छा है कि समर में ये बहुत ब्यूटीफुल लगेगा, पहनकर भी बहुत लाइट लगेगा। और इसके साथ जो है ये प्लाजो है और इसके प्लाजो की बात करें तो इसके नीचे पोर्शन पे प्लाजो में भी एम्ब्रॉयडरी है और ये भी बहुत लाइट वेट है, पहन के बहुत कंफर्टेबल और लाइट लगेगा। गाइस इसके साथ कोई दुपट्टा नहीं है बट अगर मैं चाहूँ तो मेरे पास व्हाइट कलर का दुपट्टा है वो मैं ले सकती हूँ, बट ऐसी ड्रेसेस विदाउट दुपट्टा भी बहुत प्यारी लगती है। बट कुछ जगह ऐसी होती है कि हम विदाउट दुपट्टा नहीं पहन सकते तो उसके लिए मैं इसके साथ व्हाइट कलर का दुपट्टा कैरी करूँगी। और इसका बैक भी एग्जैक्टली सेम है जैसा आप इसका फ्रंट देख रहे हैं, इसका बैक भी बिल्कुल सेम है एग्जैक्टली। इसकी कोटी भी बिल्कुल ऐसी है और यहाँ पर जो है ये प्लेट्स डली हुई है, उससे बड़ी प्यारी लगती है ड्रेस। चलिए नेक्स्ट ड्रेस की बात करते हैं। ये मैंने ऑनलाइन परचेज करी है। एक्चुअली ये सेसो फराज की कुर्तीज है, मैंने लास्ट ईयर सेसो फराज की आई थिंक
5 to 6 कुर्तीज परचेज करी थी, तो उनमें से एक कुर्ती है। वैसे मैं वो कुर्तीज भी आपके साथ शेयर करूंगी, इतना अच्छा स्टफ निकला है। अगर हम नॉर्मल मार्केट से लेते हैं तो बहुत जल्दी कुर्तीज का कपड़ा मतलब खराब हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, कलर चला जाता है, बट इसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। ये वाली कुर्ती तो नहीं पहनी, बट मैं इसके साथ की और सारी कुर्तीज ऑलमोस्ट पहन चुकी हूँ। देखिए ये दोनों अलग है। मेरे पास ये रेड कलर की स्कर्ट थी, ये वाली ड्रेस मैं इसके साथ कैरी करूंगी और ये बहुत प्यारी लगेगी क्योंकि ये फ्रंट ओपन है और देखिए इसके चोली पे कितना सुंदर वर्क होगा और इसकी स्लीव भी बहुत प्यारी सी है। देखिए आगे से शर्ट स्टाइल की इसकी स्लीव्स है और ये बहुत प्यारी ड्रेस है। इसका कलर भी बहुत प्यारा है, हल्दी येलो कलर है और ये बहुत सुंदर लगेगी। अगर हम ये पार्टी में मतलब पार्टी में फेस्टिवल में कहीं पर भी ये पहनेंगे तो ये लाइट वेट भी है, इजीली कैरी भी कर सकते हैं और ये थोड़ा पार्टी लुक भी देगा। चलिए नेक्स्ट लास्ट ड्रेस है ये मेरी और ये मैंने अभी ये लोकल मार्केट से परचेज करी है। मेरा बहुत मन था कि मैं इस ड्रेस को एक बार पहनूं क्योंकि ऐसी ड्रेस मैंने अभी तक पहनी नहीं और मार्केट पे इसका बहुत ज्यादा ट्रेंड है। ये है एक कुर्ती ड्रेस। पहले मैंने सोचा था कि मैं अपने टेलर से इसको स्टिच करा लूं, बट मेरे को मेरे पसंद की ड्रेस मार्केट में ही मिल गई तो फिर मैंने वहीं से परचेज करी। एक्चुअली इस ड्रेस में भी बहुत सारे पैटर्न थे, बट ये वाला जो मैं लेकर आई हूँ ये कुछ इस टाइप का है और पहन के बड़ा प्यारा दिखता है। मेरे पास इसकी पिक भी है, अगर आप बोल रहे तो मैं इसकी पिक लगा दूंगी। बहुत सुंदर सी ड्रेस है ये और आई एम वेरी एक्साइटेड कि मैं इसको कब पहनूंगी। अभी ये बहुत ज्यादा लूज है, ये मेरे को ना मतलब अपनी फिटिंग का कराना पड़ेगा, लेकिन ये बड़ी बहुत सुंदर है। सिंपल सोबर नॉर्मली अगर हम कहीं घूमने जाते हैं तो इसको तब भी कैरी कर सकते हैं। इसकी स्लीव्स देखिए कितनी प्यारी है। तो आई होप कि मेरी सारी ड्रेसेस को देखकर आपको करवा चौथ रक्षाबंधन आने वाले सभी फेस्टिवल, करवा चौथ के लिए तो नहीं खैर, लेकिन आने वाले फेस्टिवल जो अब समर में है उनमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और ये धोती देखिए, वैसे हो सकता है कि मे बी इस धोती ड्रेस को मैं नेक्स्ट वीक पहनूं। नेक्स्ट वीक हम लोग मे बी हो सकता है किसी ट्रिप पर जाए तो वो वीडियोस भी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। तो देखिए चलिए प्लीज 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 मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें ताकि मैं आने वाले टाइम में, और प्लीज वेट कीजिएगा कल मैं आपके लिए ला रही हूँ अपना जिम टूर, तो मेरी वीडियो को जरूर देखिए। बाय।